अंबेडकर जी का जो जन्म है वो आपको सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो 14 अप्रैल 1894 को हुआ और संघर्षों के कारण वो आगे तक पहुंचे। तीन तरह की शक्तियां होती है सर, मैंने सोचा जीवन में, एक होती है आर्थिक शक्ति, एक होती है राजनीतिक शक्ति, एक होती है वैचारिक शक्ति। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति दोनों की उम्र कम है, वैचारिक शक्ति की उम्र सबसे ज्यादा है। वैचारिक शक्ति इंसान का जाने के बाद ही काम करती है और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में वैचारिक शक्ति का आगम याद करें। मेरे साथी ने कहा उनके कुछ तोड़े जाने, जितने उनके कुछ तोड़े जाएंगे उतने वो दिलों का समाप्त जाएंगे। अंबेडकर जी को हम अधिकतर लोग इंडिया में, बहुत सारे लोग अपरिचित हैं, वो आरक्षण से जोड़ के देखते हैं, लेकिन आरक्षण के अलावा उन्होंने 90% जो जनसंख्या है उसके लिए काम किया। मैं अपने लिए खुद बता रहा हूं आपको कि अगर मैं आज यहां पर बैठा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर जी का योगदान। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि आरक्षण क्या होता है, मैंने कहा आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम है। उसने पूछा पर समझ में नहीं आया, आप आसान भाषा में बताओ, आप उदाहरण दे बताओ। तो मैंने कहा कि एक रेस शुरू होती है और एक रेस में एक जो व्यक्ति है 400 मीटर की रेस है और 100 मीटर आगे निकल जाता है, पर हम ये कहते हैं कि समानता का सिद्धांत लागू है, हम सबको बराबर का मौका कर रहे हैं और एक बच्चा यहां से जुड़ेगा, ये सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय है कि जो बच्चा पीछे रह गया, जिसको दौड़ने का मौका नहीं मिला, उसको ऑटो कराओ, उसको 100 मीटर तक छोड़ो और रेस वहां से शुरू, ये आरक्षण। दूसरी बात यह है, मैं एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूं कि अंबेडकर जी को सबसे ज्यादा जो नुकसान है उनके समाज के कुछ लोगों ने पहुंचा है। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था किस लिए की, क्योंकि जो समाज है इस समाज के लोग अगर जाएंगे ना तो इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, वो इस समाज को मजबूत करेंगे। जो आरक्षण का गेट है वो संग्रह है, पहले खुद उसमें जाएंगे तो उस गेट को तोड़ के छोड़ा करेंगे ताकि उस समाज के और लोग उसके अंदर एंट्री ले पाए। लेकिन हमने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने, कि अंदर गए, अंदर से कुंडी लगा दी, उस कुंडी को तोड़ो, उस दरवाजे को तोड़ो, उस गेट को और लंबा करो ताकि हमारे जो भाई हैं जिनको आज उसका लाभ नहीं मिल पा रहा वो भी सही रास्ते पर आए, वो भी उस स्थान के जहां के वो अधिकारी वहां तक पहुंचे। प्रमोद जी ने एक बात कही के जब मेरे भाई है, मैं उसको जानता हूं, ये भी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और मैं पता नहीं करता हमने जमीनी स्तर पर काम किया। सुल्तानपुरी के स्कूलों में सीपोल में था जहां अंबेडकर जयंती मनाने की शुरुआत हुई, मेरे जाने के बाद भी आज तक अंबेडकर जयंती वहां पर मनाई जाती रही है। तीन ब्लॉक के अंदर जहां पर कभी लोग बहुत मुश्किल है, लोगों को लगता है बहुत आसान है अंबेडकर जयंती मनाना, सीता जी को पता है, मुझे पता है कि एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो वहां भी जो अंबेडकर जयंती की शुरुआत हुई और वहां भी आज तक अंबेडकर जयंती मनाई जाती रही। और मैं और सुचिता जी के सहयोग से आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर इस बार यहाँ मनी है ना तो ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं है, यहाँ भी लगातार जो है अंबेडकर जयंती मनाई जाती रही। अंबेडकर जयंती मनाने का हमारा सही मकसद क्या है? बिल्कुल सर, आपकी आज्ञा जरूर धारे सर। मैं पूनिया जी के बारे में कहता हूँ, मैंने इनसे बड़ी प्रेरणा ली है। जब भी शिक्षक संगठनों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें पुनिया जी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। एक होते हैं कागजी नेता, एक होते हैं जमीनी नेता, जो वास्तव में नेतृत्व करते हैं। ये हर बात के लिए इनको धरने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये कभी भी तैयार रहते हैं। अभी बताया करने के आगे भी इनका धरना होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक छोटी सी बात है, गौतम बुद्ध जी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है, उन्होंने सबसे बढ़िया एक मार्ग बताया, मध्यम मार्ग, कट्टर मार्ग देश के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए सबसे बढ़िया जी। और ये कट्टरवाद दोनों तरीके से जो है खतरनाक है, हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अति जो है वो हर चीज की बुरी होती है, अति से हमें जो है वो बचकर निकलने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा मैं आज के दिन उन सभी महापुरुषों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, ईवी रामास्वामी नायका पहलजा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, जिन्होंने भी दलित समाज के ये छुआछूत जो है सर सभ्य समाज के लिए एक गाली की तरह, ये हमें गाली महसूस होते हैं हिंदू धर्म के अंदर और हमें अपने पर हमारे समाज के अंदर इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि हम जो है अपने जानवरों को सुनने दिखाते हैं और अपने इंसान को अपने भाइयों के साथ जो है हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो मैं इस गाली को जो है सदा सदा के लिए निकालू।
और ये प्रयास जो है दोनों तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।